नमस्कार, सवाल जम्मू कश्मीर लद्दाख का। मैं आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड कप में इंडिया की न्यूजीलैंड से हार के बाद कश्मीर घाटी से कई वीडियोस वायरल हुई। वीडियोस में देखा जा रहा है कि कई कश्मीर के युवा और भी लोग सड़कों पर हैं, सड़कों पर नाच रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। तो जुनैद जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये वीडियोस में जो भी देखा जा रहा था, पहले तो आप कंफर्म करें कि या सच में ये वीडियोस थी या ये पुरानी वीडियोस हैं जो इस वक्त वायरल हो रही हैं और इसी के ऊपर अभी बवाल बना हुआ है। बिल्कुल नहीं, ये सभी वीडियोस जो हैं लेटेस्ट हैं और उसी दिन के जिस दिन इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ मैच था। कश्मीर यूनिवर्सिटी से जो वीडियोज़ वायरल हुए वो भी उसी दिन के वीडियोज़ हैं। और ये कुछ दृश्य सिर्फ श्रीनगर में या कश्मीर श्रीनगर में देखने को नहीं मिले, बल्कि आउटस्कर्ट्स में भी इस तरह के जो है दृश्य देखने को मिले। और सभी चीज़ें डेलिब्रेटली फेसबुक के ऊपर वायरल भी की गई। मैं अपने आपसे समझना चाहूँगी कि ये किस तरह की सोच है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, जो कि इंडिया का ही हिस्सा है, हालांकि कश्मीर के लोग हम भी जानते हैं कि ये मानने को तैयार नहीं है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, उसके बाद जब इंडिया हार जाती है, एक मैच है, क्रिकेट मैच है, उसके लिए आप सड़कों पर उतर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, ये किस तरह की सोच है? देखें पल्लवी जी, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि सोच किस तरह की है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा कि सोच किस तरह की है, मगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जो कश्मीर में जो भी लोग ये सब कुछ कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, नाच रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, इन तमाम चीज़ों को दो तरीके से देखना होगा। एक तरीका देखने का ये है कि कश्मीर के जो हालात हैं, उन हालात को अगर आप देखें और उन हालात को अपने सामने रखें, तो उन हालात को देखने के बाद आपको ये लगता है और आपको ये महसूस होता है कि कश्मीर के युवा जो हैं उन हालातों से परेशान हैं, वो भी उन हालातों से छुटकारा चाहते हैं। लेकिन छुटकारे का तरीका क्या होना चाहिए, वो तरीके के ऊपर मुझे लगता है बात होनी चाहिए। छुटकारे का तरीका ये है कि आतंकवाद और अलगाववाद कश्मीर के अंदर जिन लोगों ने लाया, उन लोगों के साथ बातचीत भी हो रही है, उन लोगों को वो लोग सरकार बनाने की आगे आने वाले समय में तैयारियां भी कर रहे हैं, चुनाव में भी उन्होंने ही उतरना है। अलगाववाद का बीज किसने बोया, अलगाववाद का बीज बोने वाला था कौन, उस पर भी बहस होनी चाहिए। और जब ये पता चले कि अलगाववाद का बीज बोया किसने, उसके बाद ये पता चलना चाहिए कि क्या वो लोग आज अलगाववाद से दूर हैं, सेपरेटिज्म से दूर हैं, क्या उन्होंने अपनी लाइन बदली है, क्या उन्होंने अपनी ज़ुबान अपना तरीका बदला है। जब आप यहाँ कन्फर्म हो जाएं कि हाँ ठीक है जी, जो राजनीतिक लोग कश्मीर घाटी में हैं उन लोगों ने अपनी ज़ुबान, अपना तरीका, अपनी सोच सब बदल दी हुई है, उसके बाद फिर आप कश्मीर के युवा को कह सकते हैं कि जनाब आप गलत कर रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे हैं। आपने ख्वाब कश्मीर के बच्चों को 1947 से बेचा, बेचने वाली मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, कश्मीर की वो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन पोलिटिकल पार्टीज़ को, जो पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, सरकारें बनाती हैं, सरकार में रहती हैं, ठीक है जी। आपने 47 से इन सरकारों को, इन राजनीतिक दलों को ये इख्तियार दे दिया कि आप अलगाववाद को कश्मीर में बेचें, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसको बेचें यहाँ कश्मीर में, और आप बेचते रहें। आपने उस अलगाववाद को जो बेचा जा रहा था कश्मीर में, आपने उसके ऊपर कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। नैरेटिव जब कश्मीर के कोने कोने में चला गया, उसके बाद अब आप कह रहे हैं जी अब हम सारे का सारा एकदम से कंट्रोल करेंगे, वो संभव नहीं हो पाएगा, नंबर एक। नंबर दो चीज़, अब जब आपने अलगाववाद को आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन लोग हैं जो लोग सेपरेटिज्म के लिए कश्मीर में रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपका उनकी तरफ बिहेवियर क्या है, आज के समय में भी आपका उनकी तरफ बिहेवियर क्या है, और आपसे मेरा मतलब है हमारी सरकार, केंद्र की हमारी सरकार, केंद्र सरकार का उनकी तरफ रवैया क्या है, उसको भी देखना होगा। क्या केंद्र सरकार ने अपना रवैया इन राजनीतिक दलों की तरफ बदला, क्या इन राजनीतिक दलों को ये बोल दिया गया साफ तौर पर कि भाई आप कम से कम कश्मीर में झूठ बोलना बंद कीजिए, कश्मीर के आम युवाओं को अब आप एक सच बताइए कि भारत एक सच है, भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, इस इकोनॉमिक, ये जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है, इस ग्रोथ स्टोरी का आप इंटेग्रल कंपोनेंट है, आपके बगैर ये ग्रोथ स्टोरी मुमकिन नहीं है, आपको इसका अगर इंटेग्रल कंपोनेंट बनना है तो तभी संभव हो पाएगा जब आप
उस संविधान को मानेंगे जिस संविधान के तहत ये सारे का सारा जो भारत में जो कुछ होता है वो संविधान के तहत ही होता है। जब आप उसको मानेंगे तभी बात बनेगी। लेकिन जब आपके पास ऐसे राजनीतिक दल कश्मीर घाटी में मौजूद हैं जो मेन स्ट्रीम हैं लेकिन भाषा उनकी जो है वो सेपरेटिस्ट है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके लिए संभव है ये कि आप कश्मीर में कोई बड़ा बदलाव ला सकें। अब रही बात वो जो वहां पर सीन दिखाए गए, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स हैं क्या इन्हें चैनल करने का क्रिकेट ही एक जरिया है? देखें पल्लवी जी, इसको थोड़ा सा अगर आप क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट तक मैं इसको महदूद करूं तो मुझे बड़ा हैरानी होती है। वो जो कश्मीर के युवा जो यूनिवर्सिटी में हैं, कश्मीर के वो नौजवान जो यूनिवर्सिटी में खुशियां मना रहे थे, या जो पटाखे फोड़ रहे थे सड़कों के ऊपर, या जो नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे, किस चीज के लिए जी? कि न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया। मैं एक बड़ा सिंपल सा, एक लॉजिकल सी बात उनके सामने रखना चाहूंगा कि अगर आपको ये लगता है ये सब करने से आपको खुशी मिलती है और कोई दुखी होता है तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। भारत 135 करोड़ लोगों का देश है और आपकी आबादी इस 135 करोड़ में मात्र 70 लाख है। 70 लाख के ऊपर 71 लाख भी आप नहीं हैं। आपकी आबादी मात्र 70 लाख है और अगर मैं और थोड़ा आगे चला जाऊं तो 80 लाख, इससे ज्यादा आपकी आबादी नहीं है। 80 लाख लोग एक तरफ और भारत की आबादी 135 करोड़ में से 80 लाख लोगों में से 1% भी नहीं, मात्र 0.50% लोग कहीं सड़क पर उतरकर कोई हू हल्ला कर रहे हैं उस, और वो जो हू हल्ला कर भी रहे हैं उस हू हल्ले से आप किसी का कोई फायदा नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्यों? आप जानते हैं इस देश में हमने ही देखा कि एक माहौल इस तरह का देश भर में है कि आज एक्शन रिएक्शन थ्योरी है। यहां कोई एक्शन होगा उसका बिहार, यूपी और न जाने कहां का रिएक्शन होगा, और वहां कोई एक्शन होगा उसका रिएक्शन आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। इस एक्शन रिएक्शन थ्योरी के चलते होता क्या है पल्लवी जी, जो बच्चे कश्मीर छोड़कर, कश्मीर के आतंकवाद से और अलगाववाद से परेशान होकर भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, आप उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतें 3 गुना बढ़ा देते हैं अपनी हरकतों से, नंबर एक। नंबर दो, ये क्रिकेट का मैच है और अगर हमारी टीम न्यूजीलैंड से हारी है तो उससे इंडिया नंबर 2 नहीं हो जाती, भारत की टीम नंबर 1 है और नंबर 1 होने के साथ साथ में इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम का वर्ल्ड क्रिकेट में वो पोजिशन है जो पोजिशन किसी समय वेस्टइंडीज या ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी। और अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो अगर आप भारत को माइनस कर देते हैं आपके पास कुछ भी नहीं बचता। आप वापस क्रिकेट में आके मैं पूछना चाहूंगी, मैं क्रिकेट पर ही बात कर रहा हूं कि अब न्यूजीलैंड से भारत हार गया लेकिन आपने पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट में देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से भारत ने खेला। एकमात्र देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 1947 में जब ये दो देशों में बट गया, बटने के बाद 1947 में जो कुछ हुआ उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी परेशानियां भारतीयों के दिलों में हैं जिनको पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा, वो दुखी हैं, वो आहत हैं। इसी तरीके से जो लोग यहाँ से पाकिस्तान गए वो वहाँ हैं, उनको भी कहीं ना कहीं नफरत अंदर उनके दिलों में भी है। उसके बाद 47 के बाद 1999 में जब आतंकवाद कश्मीर घाटी में आया, पिछले 30 सालों में पल्लवी जी जो कुछ कश्मीर में हुआ है उसके चलते नफरतें घटी नहीं है, नफरतें बढ़ी हैं। 65 में जो युद्ध हुआ, उसके बाद आपका 71 में आपका युद्ध हुआ, ये जो युद्ध हुए उसके बाद 99 में आपका करगिल हुआ, जो बच्चे वहां पर शहीद हुए, और उसके बाद ट्रेनों में बम धमाके हुए, दिल्ली में जो कुछ हुआ, बॉम्बे में जो कुछ हुआ, गुजरात में जो कुछ हुआ, भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो कुछ हुआ, उन तमाम चीज़ों से नफरत जो लोगों के दिलों में पाकिस्तान के प्रति है वो 2 गुना नहीं 3 गुना नहीं हजारों गुना बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? कि भाई एक देश है जिस देश को बार बार हमारी तरफ से ये कहा जाता है कि भाई आतंकवाद छोड़ दो, आओ प्यार मोहब्बत से रहें, लेकिन वो देश प्यार मोहब्बत से रहना ही नहीं चाहता। उस देश से हम ये कहते हैं कि आप आतंकवाद पर रोक लगाइए, आप आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए तैयार नहीं। आतंकवादी तो वहीं से बन के आ रहा है ना, बंदूक तो वहीं से भारत में आएगी ना, हमने तो कोई बंदूक यहां से वहां पाकिस्तान में भेजी नहीं, बंदूकें वहां से आ रही हैं। यहां जब मासूम लोगों का कत्लेआम होता है, आप 1995 से लेकर 2006 तक जो नरसंहार डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ में हिंदुओं के हुए वो इतिहास का हिस्सा है,
वंधामा में जो हुआ वो इतिहास का हिस्सा है, उसके अलावा जो कुछ कश्मीर में वो इतिहास का हिस्सा है। इसके कारण पाकिस्तान के प्रति एक नफरत जो यहाँ पर लोगों के बीच में है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से आतंकवाद का समर्थन किया और जो आतंकी गतिविधियां हमारे देश में हुई हैं, उसके चलते लोगों को बेइंतहा नफरत पाकिस्तान के साथ है। अब ये जो बेइंतहा नफरत है, अब जाहिर सी बात है युद्ध, हमारे देश का मानना है कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, जब तक हम पर थोपा नहीं जाएगा तब तक हम करेंगे कुछ नहीं। आप छेड़ोगे नहीं हम छेड़ेंगे नहीं, आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, मामला अब ये वाला है। अब अगर ये वाला मामला है तो इसमें आपको ये समझना होगा कि इतनी नफरत, इस नफरत के चलते जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, हालांकि दोनों टीमों के बीच में जो मोहब्बत है वो अलग है। महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान के एक फैन को इंग्लैंड बुलाते हैं कि भाई तुम आगे पाकिस्तान, यार ये हम भारतीयों के अंदर ये चीज़ सिर्फ भारत के लोगों के अंदर है कि आप आइए आप मैच यहाँ पर देखिए। तो ये प्रेम भाव हमारे अंदर अब भी है। अब भी अगर पाकिस्तान आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल करता है तो आप देखेंगे कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान की मदद करेगा जिन हालात में आज पाकिस्तान है उससे बाहर निकालने में। लेकिन अगर आप आतंकवाद का समर्थन करते रहेंगे अब मामला खराब हो जाएगा। अब एक बात इंपॉर्टेंट और, ये इसके चलते नफरतें बहुत हैं, इसीलिए जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है और पिछले दिनों जो कुछ हुआ, 44 जवान हमारे शहीद हुए, उस शहादत के बाद लोगों के दिलों में जो गम गुस्सा है, वो गम गुस्सा दूर कब होता है? जब हमारी टीम पाकिस्तान की टीम को पीट देती है। जब इसी के रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान के साथ नफरत की आपने बात की, पहले जब इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ तब भी इंडिया हार गई और कई लोगों का ये कहना था कि इंडिया जानबूझकर हारी ताकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आउट हो जाए, ये किस हद तक आपको लगता है सही है? और भारत के लोगों का ये मानना कि इंडिया की टीम जो है वो क्रिकेट जानबूझकर हारेगी केवल पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकालने के लिए, आपको नहीं लगता कि इसी के रिएक्शन है कि जब इंडिया की टीम जब हारी तो कश्मीर में लोगों ने जश्न मनाने शुरू कर दिया? नहीं नहीं पल्लवी जी, ये जहाँ तक इंडिया इंग्लैंड के मैच का ताल्लुक है, भारत की टीम बहुत बढ़िया खेली, जो क्रिकेटर हैं वसीम अकरम वकार, उन्होंने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान की तरफ, उन्होंने कहा कि भाई आप इंग्लैंड को कम क्यों आंकते हैं, इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप बहुत डेप्थ बैटिंग लाइनअप की बहुत ज़्यादा है, और वो एक आधा मैच था जिसे आज मैच में हमारी टीम अच्छा नहीं खेल सकी, हार गई। पाकिस्तान को बाहर निकालने का, और दूसरी चीज़ एक और चीज़ समझें, अपनी काबिलियत के बलबूते पे पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेल रहा था। तो जब आपकी अपनी काबिलियत नहीं, आप एक नालायक प्लेयर हैं, एक नालायक टीम है, आप अपनी काबिलियत के बलबूते पे नहीं खेल रहे और आपने अपना जनाजा हमारे कांधे पे रखा हुआ, भाई ये तो चलेगा नहीं, हमारे कांधे पे आपका जनाजा नहीं आ सकता, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि नफरतों के चलते इंडिया पाकिस्तान को हराता है तो हमारे यहाँ बड़ा जश्न होता है, बड़े खुश होते हैं लोग, बड़ी मिठाइयाँ तक बढ़ती हैं, पटाखे चलते हैं, पूरी पूरी रात पटाखे चलते हैं, ठीक है जी, स्वाभाविक है। लेकिन आप देखें पूरे भारत, उसके बाद आप भारत के लोगों की एक और टेंडेंसी हमारी देखें, देशवासियों की टेंडेंसी ये है कि पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच हो, पाकिस्तान वेस्टइंडीज से हार जाए, ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, किसी भी भारतीय को आप जश्न मनाते नहीं देखेंगे, हमें कोई लेना देना ही नहीं, वो किससे हारते हैं किससे जीतते हैं हमारा कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज में है कि जब पाकिस्तान हमसे खेलेगा, यानी साफ तौर पर यह कि दुश्मनी जब करनी हो तो दुश्मन को भी चुना जाता है और उसके बाद उस दुश्मन की किससे दुश्मनी है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। इसीलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान इससे पहले जो है वेस्टइंडीज से हार गया, किसने, मैंने तो जम्मू में किसी को भंगड़े डालते हुए नहीं देखा, मैंने किसी को खुशी मनाते हुए नहीं देखा। और कमाल की बात पल्लवी जी ये भी आप देखें, किसी भारतीय के फेसबुक पर आपने वेस्टइंडीज को लेकर कोई कमेंट नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान वेस्टइंडीज से हार गया, कोई लेना देना हमें नहीं। हाँ, हमें लेना देना है जब भारत पाकिस्तान का मैच होगा, ये एक सोच है। और एक सोच कश्मीर की सोच है कि भाई भारत न्यूजीलैंड से हार रहा है और वहां पर कोई 0.50% लोग हैं जो उठकर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। अब जरा ये भी सोचने की बात नहीं है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें भी इतना फर्क नहीं पड़ता है कि जो इंडिया है वो न्यूजीलैंड से हार रहा है, लेकिन कश्मीर इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। इट्स नॉट अबाउट कश्मीर, अगेन एंड अगेन वी शुड नॉट मेंशन कश्मीर, इट इज 0.50% पीपल इन कश्मीर वैली, और वो भी वो यंगस्टर्स है जो यंगस्टर्स फेसबुक के ऊपर जो कुछ देखते हैं उसके चलते रिएक्शन में वो सड़कों पर तमाशे करते हैं। किसको फिक्र है इस तमाशे की, मुझे बताएं किसको चिंता है इस तमाशे की, किसी को चिंता इस तमाशे की नहीं है। अगर किसी को इस तमाशे की चिंता होती तो हमारी सरकार भी इसके ऊपर एक बयान दे देती, जी हमें बहुत चिंता है जी वहाँ पर लोगों ने खुशी क्यों मनाई। आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजा लीजिए, जो आपने करना है करिए, मगर ये नुकसानदेह आपके अपने लिए है, क्योंकि जो सड़कों पे भीड़ चलती है उसके ऊपर किसी का कंट्रोल किसी का काबू नहीं है।
आप भीड़ के साथ कुछ नहीं कर सकते, आप भीड़ को रोक नहीं सकते, आपको क्या पता कहाँ क्या कौन क्या कर रहा है, आपको कोई पता नहीं। इसीलिए उसके बाद आपने देखा होगा रिएक्शन में, अगर पंजाब में कुछ हो जाए, यूपी में कुछ हो जाए, कहीं और कुछ हो जाए, तो फौरन जो है कुछ लोग निकल आते हैं, कहते हैं जी देखो जी बेगुनाह बच्चों को मारा गया, पीटा गया। भाई आप ये भी तो देखो कि आपके यहाँ क्या कुछ हो रहा है। और पल्लवी जी, मैंने पहले भी एक बार कहा है कि गुस्सा लोगों में क्यों ना हो, आप ये सोचें कि एक बच्चा बेंगलोर, एक परिवार बेंगलोर में रह रहा है, उनका बेटा कश्मीर में जाकर शहीद होता है, उसकी डेड बॉडी जब बेंगलोर पहुंचती है, यहां से डेड बॉडीज कहां कहां नहीं शहीदों की लाशें गई, पंजाब मतलब मैं ये कहता हूं जम्मू कश्मीर से लेकर, कश्मीर के बारामुल्ला के बॉर्डर से लेकर ठीक आपके चेन्नई तक जो है, हर कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में एक लाल शहीद ना हुआ हो। जरा सोचिए, इतने परिवार जब ये देखते होंगे, वो देश जिस देश के कारण हमारे बच्चे कश्मीर में जाकर शहीद होते हैं, उस देश की जीत पर या उस देश की क्या कहते हैं हार पर मातम मनाया जाता है, खुशी मनाई जाती है कश्मीर में, चाहे थोड़े ही लोग मनाएं, मगर मैसेज बड़ा गलत चला जाता है, वो लोग दुखी होते हैं, वो कहते हैं जी हमने हमारे बच्चों ने क्या कसूर किया था, हमने तो अपने देश के लिए अपने बच्चे कश्मीर भेज दिए थे, हमने मरने के लिए तो अपने बच्चे कश्मीर भेजे नहीं थे। फौज का जवान जरूर निकलता है देश की सुरक्षा के लिए, अपना जीवन का बलिदान देने के लिए, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं कि उसका जीवन इतना सस्ता है कि वहां पर वो शहीद होगा और उसके बाद आप ये तवक्का रखते हैं कि चेन्नई में बैठी हुई एक माँ जिसने अपना लाल खोया हुआ है, वो जब ये आज फेसबुक के ऊपर तो वायरल होता है ये सब कुछ, जब ये वीडियो वायरल होती होगी, उसका दुख, दिल कितना दुखी होता होगा कि यार जिस कश्मीर के लिए हम वहां लड़ते हैं, जिन कश्मीरियों के लिए हम वहां लड़ते हैं, जिन कश्मीर के आम नागरिकों की सेवा कर रही है हमारी फौज वहां पर, उन कश्मीरियों, वो कश्मीर के लोग, चाहे वो, मैंने आपको बोला ना कि शायद मुझे लगता है 1000 बच्चे होंगे, वो 1000 लोग पूरी की पूरी एक कम्युनिटी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं और फिर टेलीविजन चैनलों पर अजीब अजीब किस्म के जो है वो ऊपर वो टैगलाइंस आ जाती हैं, अजीब अजीब किस्म की डिबेट शुरू हो जाती हैं। उन तमाम डिबेटों से कश्मीरियों का, कश्मीर के आम नौजवानों का, आम नागरिकों का भी नुकसान होता है, भारतवासियों का भी नुकसान होता है, वक्त भी ज़ाया होता है और युवाओं का इसका कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं होता है। इसीलिए जब इस तरह के कहीं भी एपिसोड हों, कश्मीर के युवाओं को अब ये सोचना होगा कि अलगाववाद, आतंकवाद से कुछ नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान के जो भी समर्थक कश्मीर में हैं, जितनी परसेंटेज भी उनकी है, उनको देखना होगा कि वो एक देश जिस देश में एक राजनीतिक दल के दफ्तर पर मुजरा होता हो, वो देश जिस देश में शादियों में मुजरे होते हों, मैं मुजरे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप अपने आप को इस्लामी देश कहते हैं, आप अपने आप को कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आप इस्लाम के साथ इसको जोड़ते हैं, अरे आप अगर इतने पवित्र देश हैं, इतने बढ़िया देश हैं, तो आपके देश के अंदर ये क्या चल रहा है, उसका कंपैरिजन आप अपने देश के साथ कर लीजिए। एक राजनीतिक दल मुझे यहाँ का बताइए जिसमें इतनी हिम्मत, इतनी ताकत हो इस तरह का कोई तमाशा उनके दफ्तर के ऊपर हो और उसके बाद आपको लगता है कि मीडिया उनको छोड़ेगा, आम नागरिक उनको छोड़ेंगे। ये फर्क है हमारे देश में और पाकिस्तान में, इस फर्क को समझने की जरूरत है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये फर्क समझने की भी जरूरत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ भारत में है, लोकतंत्र के अंदर आपको ये इख्तियार है कि आप वोट डालें और अपना नेता चुने और अपना आने वाला भविष्य चुने, ये भी आपको भारत में इख्तियार है। और ये शायद लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही मजा है कि आप अपने ही देश की हार पर जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, फौज खड़ी है, पुलिस वाले खड़े हैं, आर्मी खड़ी है, लेकिन उनके दिल भी अंदर से जलते होंगे, तकलीफ भी होती, क्योंकि है तो इंसान का ही बच्चा ना जी, वो कोई फरिश्ते तो है नहीं, आसमान से तो उतरे नहीं है, हैं तो इंसान के बच्चे, उनके दिलों में तकलीफ होती होगी, उनको दुख भी होता होगा, लेकिन वो कितना साहस उस समय रखते हैं इसका अंदाजा आपको तब लगता है जब आप ये देखते हैं कि ये सब दृश्य हो रहे होते हैं और फौज चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही होती है। यही लोकतंत्र है। इस तरह का लोकतंत्र आपको न पाकिस्तान में मिलेगा, इस तरह का लोकतंत्र किसी मुस्लिम देश में नहीं मिलेगा, इसकी मतलब ये इतिहास भी यही बताता है और इस समय के जो हालात पूरे विश्व भर में हैं वो भी यही बताते हैं। इसलिए ये जो कश्मीर में युवाओं ने किया है, उनकी तादाद बिल्कुल थोड़ी सी है, ये अपने आप में निंदनीय है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये भी सोचिए पल्लवी जी, जब आप नाच रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, उसी इलाके में, आस पड़ोस में ज़रूर कोई पुलिस वाला होगा, कोई पुलिस का परिवार होगा जिसने अपना बेटा खोया होगा, अपनी बेटी खोई होगी, वहीं कोई बगल में कोई और परिवार होगा जिनके घर में मातम होगा, वहीं कोई और बगल में कोई परिवार होगा जिनके घर में कोई मर्द रहा ही नहीं होगा। ये भी कश्मीर की कहानी है। आप उन्हीं के बीच में ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, आप उन्हीं के बीच में खुशियां मना रहे हैं, किस चीज़ की खुशियां मना रहे हैं? आपको अगर खुशी मनानी है,
आपको खुशी इस चीज की मनानी चाहिए कि आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। अगर आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं होते, आप कहीं सीरिया में होते, आप कहीं पाकिस्तान में होते, आप कहीं ईरान में होते, तो आपको बताते वो, आप इस तरीके से नाचते और उस नाचने के बाद वो आपको बताते इसका नतीजा क्या निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद जी। तो आप समझ सकते हैं कि कश्मीर में जब भी गुस्सा जाहिर करना होता है तो एक तो पत्थरबाजों की भीड़ निकलती है और दूसरा इस तरह से मैच के बाद कश्मीर में जश्न मनाया जाता है। पत्थरबाजी से भी नुकसान कश्मीर के लोगों का होता है और इस तरह से जश्न मनाने पर कश्मीर में रहने वाले लोगों का तो नुकसान होता ही है, पर नुकसान उन लोगों का भी होता है जो भारत के अन्य कोनों में कश्मीर के लोग रह रहे हैं। तो सोचना कश्मीर के लोगों को ये है कि इन दोनों रास्तों को छोड़कर वो कौन सा ऐसा रास्ता अपनाएंगे जिससे वो कम से कम भारत में पीसफुली रह सकें। सवाल जम्मू कश्मीर लद्दाख का, के इस अंक से दीजिए इजाज़त।